हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वर्षा और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं शेजवान फ्राइड राइस की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे तेल करीब 2 चम्मच। तेल गरम होने पे हम इसमें डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक ग्रेटेड किया हुआ, हल्का सा इसे सौते कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज, इसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप ग्रीन फ्रेंच बीन्स लिए हैं, कैबेज और कैरेट एकदम फाइनली चॉप कर लें। पहले मैं इसमें बीन्स डालूंगी और कैरेट भी डाल दूंगी साथ में, क्योंकि बीन्स और कैरेट को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हम इसे पहले डाल देंगे। और तेज आंच पे इसको सौते कर लेंगे। बस हाफ मिनट के लिए इसको सौते करने के बाद मैं इसमें कैबेज भी डाल दूंगी। इसको भी सौते कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन अनियंस लिए हैं, इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है, और कैप्सिकम को भी, ये दोनों को भी हम डाल देंगे। सौते कर लें, 1 मिनट तक सभी चीजों को सौते करें। सभी वेजिटेबल्स फाइनली चॉप होना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। 1 चम्मच के करीब सोया सॉस, 1 चम्मच टमाटो सॉस। मिला लें सभी को। फिर इसमें मैं डालूंगी शेजवान सॉस। करीब 3 चम्मच मिला लें। बस कुछ सेकेंड तक सौते करने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। ये राइस मैंने 90% ही कुक किया है। राइस को हम इसमें डाल देंगे। मिला दें। कितना अच्छा कलर आया है राइस में देखिए, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और फटाफट बन जाता है। बस ये रेडी हो चुका है, गैस बंद कर देंगे। बहुत ही मजेदार शेजवान फ्राइड राइस बनकर रेडी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।